एमटीवी रोडीज करम या कांट, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार, वेरी नाइस। चलो और लोगों को आने दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट, क्योंकि आज होने वाला है घमासान। काफी लोगों ने मुझे पहले मैसेज कर दिया कि क्या करने वाले हो अमित भाई आज, रोडीज है यार ऐसे थोड़ी। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द लाइव। मेरा आज एक और सपना वैसे पूरा हो गया, मैं एमटीवी के पेज से लाइव आ गया गाइस। हाय एवरीवन, थोड़े और लोगों को अंदर ऐड करते हैं। अरे 3,000 लोग आ ही चुके हैं, सबको बहुत इंटरेस्ट है राइवलरी में। वाह, हेलो हेलो। तो गाइस दिस इज योर इनसाइडर हामिद पारिक जी। जैसे आप सबको पता है कि वीकेंड कुछ ही दूर है और फिनाले भी कुछ ही दूर है, तो इसलिए हम आपके लिए ले आए हैं राइवलरी वीक। अब इस हफ्ते आपको काफी सारी राइवलरीज दिखेगी अलग अलग कंटेस्टेंट्स के बीच में। एंड जैसे सीजन है कर्म या कांड, काफी कर्म हुए, काफी कांड हुए, काफी दोस्तियां हुई है, दोस्तों ने आपस में वोट किया है और दुश्मनी हुई है, बट वो दुश्मनी दोस्ती में बदली है, आई डोंट थिंक सो। तो यही है, और ये एक ऐसा सीजन है जिसमें बहुत सारे घमासान राइवलरीज हुई है, इसलिए हम लिया एक और सेगमेंट राइवलरी वाला, राइवलरी वीक। और आपको पता है आज हमारे कंटेस्टेंट जो आने वाले वो कौन है, स्टोरी देखी होगी आपने, पीहू और प्रियंका। तो इन दोनों की जर्नी ना, मतलब इन दोनों में इतना प्यार था कि कभी कभी हमारी आंखें भर आती थी। एंड ये दोनों ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो एक दूसरे को शो से पहले से जानते थे, और फिर ये लोग शो में आए, एक सेलेक्ट हो गई, एक रिजेक्ट हो गई थी, बट सोनू अस्तर से वो भी सेलेक्ट हो गई थी। दोनों अलग अलग गैंग में थे, बट फिर ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है, कहते ना सब लिखा हुआ है, दोनों एक ही गैंग में आ गए और एक साथ परफॉर्म करने लगे। तो चलो अब बुलाते हैं इनको, रिक्वेस्ट भेजी इन्होंने कि नहीं पता नहीं। ओके प्रियंका इज हियर। जस्ट अ मिनट गाइस, तुम लोग ऐड क्यों नहीं हो पा रहे हो? हाय आमिर। ओके, ओ हाय, बहुत बढ़िया, क्या हाल है? हेलो एवरीबॉडी, हाय आमिर, हेलो गाइस, वेलकम टू द राइवलरी वीक। शुरू हो चुका है आज मंडे की राइवलरी वीक बोलेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपका मेरा ना वो तो गंदा डिसाइड करेगी किस किस का। तो पहले दिमाग की शांति है, आगे देखते हैं। दिमाग की शांति है, प्रियंका, पीसफुल एवरीथिंग, और होपफुली हम पीस मेंटेन करेंगे। शो के बाद मजा आ रहा है मेरी तरफ से, जितना मैंने शो में ट्राई करा उतना मैं यहाँ ट्राई करूंगी। शो में ट्राई किया आपने? तो चलो फिर, आप शो की बात आ चुकी है तो मुझे एक एक करके बताओ कि आपके लिए शो कैसा था, और आपके लिए एक साथ दोनों को एक साथ शो पे होना कैसा था, एक एक करके आप शुरू करो। ऑलवेज यू। अरे इतना मैं इसलिए उसको बोला, मैंने इसलिए पहले बोला उसको करने के लिए, क्योंकि फिर मैं बोलूंगी तो बीच में बोलेंगी, तो मैंने कहा पहले आप बोलिए। नहीं नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगी कौन क्या बोलेगा कब बोलेगा, ठीक है? तो we'll start with Priyanka. साथ में रहना इस जर्नी में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे साथ ये चीजें थी कि इमोशनली मेंटली और फिजिकली मुझे ज्यादा प्रूव करना था, बिकॉज पीयू वाज ऑलरेडी कंसीडर्ड टू बी एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देयर, जो गौतम गैंग की एक लौती थी, प्रेफरेंस में भी थी। मैं अपने गैंग की प्रेफरेंस में नहीं थी, ना अपने गैंग लीडर के प्रेफरेंस में थी, मेरे दोस्त नहीं थे मेरे गैंग में, मैंने जर्नी में बनाया है सबकी, जितना भी ट्रस्ट लिया है जर्नी पे करा है, एंड इनको झेलना जर्नी पे साथ में, जिस इंसान को आप बाहर नहीं मिलना चाहते, जिसको जानना नहीं चाहते दोबारा, वो आपके सामने खड़ा हो जाए, तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। हमें तो आप समझ सकते हो, जिससे आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते, और यू हैव टू बी देयर, मतलब शिट यार हुआ तो होगा, देख क्वेश्चन मार्क आया दिमाग में तो हुआ तो होगा, याद नहीं आ रहा इसलिए क्वेश्चन मार्क आया, बट ठीक है चलो। दैट वाज योर जर्नी, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो मेरे लिए पर्सनली ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था,
जब हम शो में आए तो मैं, मेरे हिसाब से तो मैं अकेले ही आई थी, एंड मैं अपने लिए आई थी, अपने आप को प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो भी चीज़ें मैं परस्यू कर रही हूँ उसको आगे और बढ़ा सकूँ, यू नो, एंड अपने आप को और नए मुकाम दे सकूँ. एंड देन ऑफ कोर्स शी एंटर्स फ्रॉम बिहाइंड. सॉरी, आई वुड लाइक टू कट यू हियर. जब वही बोलने आपने लग रही हूँ मैं, वही बोलने लग रही हूँ मैं. उसके बाद पूरी जनता ने देखा जो हुआ है, एंड आई गॉट इमोशनल, एंड यस आई डिड क्राई बिकॉज आई एम इमोशनल एंड आई एम सेंसिटिव. So, उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, ऐसा नहीं था. जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, आपने देखा होगा पीआई में कोई भी टास्क परफॉर्म करता है वो होता है बोलता मैं भी कर सकता हूँ, टक 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 टक, या फिर वो हो गया. बट मैं भी कर सकती थी वो सारी चीजें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर देनी चाहिए थी उस वक्त ना, थोड़ा लोगों को पता चलता है कि क्या चीज हूँ मैं. और बट उस वक्त तक मैं नम हो चुकी थी, एंड आई वॉज इन सम सॉर्ट ऑफ अ शॉक, बिकॉज ये मैंने सोचा था यहाँ पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, बट कुछ और ही था भगवान के दिमाग में. तो जैसे आपने बोला कि आप रोए थे, सबने देखा, ठीक है, तो वो रोने का रीजन क्या था, कि ये आ गई है, आप अपनी किस्मत पे कर रहे थे कि यार ये कैसी किस्मत है मेरी, यहाँ भी ये आ गई है. यार बाबा यार, मैं सबसे पहले रोई क्योंकि मैं इसको देख के इमोशनल हो गई थी, एंड जैसे इट्स अ वेल डेवलप्ड फैक्ट. तो मतलब कहीं ना कहीं वो है, वो सेंसिटिव थोड़ा सा जो कहते हैं, सच्चा प्यार किया था. किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, ठीक है, इट्स फाइन. जिसको नहीं हुआ उसको तो हंसी आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया उस चीज को. जिसको का मतलब आपका है प्रियंका? हाँ, मतलब यही मोहतरमा है, तो यस ऑफ कोर्स, आई मीन इनसे ही बात हो रही है. सो जिसको हुआ हुआ, जिसको नहीं हुआ उसको नहीं हुआ. अब जिसको हुआ वो वाला एस्पेक्ट वो नहीं समझ सकता जिसको नहीं हुआ, तो वो चीज इमोशनल थी. और मैं ये भी डिसअपॉइंटेड थी कि यहाँ पे मैं अपने लिए आई थी, अपने आप को दिखाने के लिए आई थी, अपने आप को प्रूफ करने आई थी, जो कि मैं वैसे भी कर ही रही थी विदाउट हर प्रेजेंस. बट व्हेन शी केम, एट ऑल ऑफ अ सडन वो कंपैरिजन हो गया. वो कंपैरिजन मेरी साइड से नहीं आया, मेरे को तो पता भी नहीं थी आने वाली. आई वेंट देयर फॉर माई सेल्फ, आई डिड नॉट नो कि आएगी वहाँ पे ऐसा चीजें कुछ होने वाली है, यू नो. सो कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि वो दैट प्लेड एट माई डिसएडवांटेज, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी रखी थी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखी थी. मेरा कभी भी कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इनके बारे में बोल रही हूँ, मैं अपनी स्टोरी को आगे रखी थी जब मैं जजेस से भी बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था. मैं तो वहाँ पे बस शोकेस कर रही थी अपना टैलेंट, एंड टो फ्रो क्वेश्चन चलते हैं, एंड द जजेस देन आस्क मी कि कुछ तो हुआ है आपकी स्माइल चली गई. चलो स्टोरी पे बात आई है तो प्रियंका, यार वो उसके साइड की स्टोरी है, जैसे उसने देखी दुनिया, जैसे उसको दिखी, जैसे उसको समझ आए, वो वैसे बात कर रही है. पर जर्नी पे हम 30 लोग थे विद कंटेस्टेंट विद द क्रू, तो लोगों को रियलिटी पता है कौन कितना था, जो टीवी पे कितना आए, लोग लाइव पे आके कुछ भी बोले कैसे भी बोले, बट वी नो द रियलिटी. दो लोगों के बीच में क्या हुआ, देख ये बोल रही थी ब्रो, देख मैं ये बोल रही थी ब्रो कि मैं बोलूंगी तो ये 30 में बोलेगी. आप पॉज हो गए परमिशन हो, चलो कोई नहीं मैं बोल लेती हूँ ना भी हो. शो में आपने मेरी परमिशन के बिना ही बोला, पर बोलिए ना मैंने अभी ना भी हो तब भी बोल रही हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स माय स्पेस. तो अगर ये जो कह रही है जर्नी, जो ये कहना चाह रही है जर्नी पे हुआ, इन्होंने ट्राई करा, एक प्ले कर रही थी अपना पार्ट, जैसे भी बेस्ट था जो था. ऑफ कोर्स शी वाज अ ग्रेट प्लेयर देयर, अगर लड़कियों में से देखा जाए तो शी वाज अ गुड कंपटीशन, नो डाउट. बट फिजिकली ओके, मेंटली, एंड मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रही हूँ पीओ, ये मत सोचना मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है ना, अकॉर्डिंग टू अस जितने लोग कंटेस्टेंट थे, आप सबके क्लोज थे. आज का टाइम में आप सिर्फ एक दो तीन, शायद हार्डली दो तीन लोगों के क्लोज हो गए. कोई बात नहीं, मैं अपना बताना चाहूंगी, ठीक है, स्टोरी में बताइए, आप अपनी साइड की स्टोरी बताइए, आई विल अप्रिशिएट. मैं अपनी प्रियंका, बिफोर दैट एक क्वेश्चन, आपने बोला कि फिजिकली स्ट्रांग है, बट मेंटली यहाँ पे रोडी से और लोग कंटेस्टेंट है, तो गाइज प्लीज कॉमेंट. एंड वो इसलिए बोला क्योंकि इनको है ना 10 बार समझाना पड़ता था एक बात के लिए. अगर फॉर एग्जाम्पल पल्लवी कह रही है तूने धक्का मारा, तो उसने कहा एक सेकेंड क्या करा मैंने,
तुमने धक्का, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, कैसे मारा धक्का? ओ कंधे से मारा, एक सेकंड एक सेकंड, कैमरा कहाँ पे था? एक बात को 15 बार पल्लवी ने एक बात को बोली, ये तब भी इसको नहीं समझ आया कि पल्लवी ये बोल रही है कि ब्रो देखो हर्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से भी गेम हो सकती थी। फर्स्ट सेकंड आई थिंक मेरे ज्यादा ये शिविर वासु वगैरह आशिका के क्लोज थे, बट जस्ट टू गेट द नो फुटेज, सॉरी बट आई थिंक आप दिल्ली के पीआई वालों के साथ ही थे और 3 4 दिन आपने पार्टी भी नो करी है, साथ चिल भी करा है, ट्रुथ एंड डेयर खेले हैं जिसमें बहुत चीजें हुई जो यार, भी आप है। मेरी साइड की यू आर स्टोरी नहीं मोर, बता रहे प्रियंका जी, आप अपने साइड की बताइए, डोंट मैं अस्यूम अपनी दिस आर बताना द चाह सेम रही हूँ ब्रो, पार्ट। मेंटली आई तुम डोंट वीक क्यों अप्रिशिएट है? इट, मे बी तुम्हारा परसेप्शन वो होगा, बट तुम ये मत बोलो कि वो वो मेरे साइड पीयू की वो बात बेसिकली कर रहा कहना है। चाह रही है कि आप मेंटली पीयू वो बेसिकली कहना चाह रही है कि आप मेंटली वीक हो, और जो भी उन्होंने बोला कि 10 बार समझाना हाँ पड़ता है, तो उस पर आपको क्या कहना है? मैं, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पुट किया है, हामिद आई अप्रिशिएट दैट। एंड भाई अरे बट उस कांडी, अरे मैंने वैसे क्या, एक कांडी मिनट, कुमार मैंने क्या कोई बोल और दिया, था बट यहाँ पे हमें दे, कोई नहीं गोवा अरे नहीं, मैंने मुझे क्या अच्छा क्या लगा, बोल आई दिया बताओ, एम मैंने रियली जो प्रियंका अप्रिशिएटिंग, से बोला ऐसी मैंने बात वही नहीं है बोला। वहां पे ऐसे, वो मत हो। सच तो मैं बोलूंगी, जब ये बोल रहे हैं जहाँ पे जो चीज इनको लग रही है ना कि मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, उनका परसेप्शन होने लग सकता है, इट्स फाइन, मेरे लिए हार्ड हिट डजंट मैटर। जहां तक रिपीटेशंस की बात है, जिस सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में हम रह रहे हैं ना, वहां पे एक बात को समझने के 4 मतलब हो सकते हैं उस सिचुएशन में, बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी इंटेंस एंड माहौल भी वहां का बना हुआ है। एंड इफ आई एम आस्किंग यू अगेन टू क्लेरिफाई स्टफ, तो इसमें बुरा क्या है? अगर तुमने मुझे कुछ बोला और मेरे दिमाग में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इन 4ों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आई एम आस्किंग अगेन कि पूरा ढंग से समझाओ। और इसमें प्रियंका डिड्यूस कर रही है, सबसे पहले तो ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है मुझ में? मतलब ये हर चीज ऑब्जर्व करी जा रही है, हर चीज देखी जा रही है, मतलब इनकी खुद भी कोई गेम है या फिर पूरी गेम में आपको मेरे को ही देखना था? वैसे जब देखना था तब तो देखा नहीं, और अब देख ही जा रहे हो। क्या पता, जैसे आपने बोला, जैसे आपको थोड़ा सा था, थोड़ा सा आपको जो कनेक्शन था बहुत उसको भी था, बट ज्यादा। वो वैसे कर रही थी। अरे बाबे यार, इस पे मैं नहीं बोलूंगी, वो उसकी खुद की भावना है, उसके मुंह से आएंगे तो ठीक लगेंगी और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगी, एंड इट्स ओके, फाइन चलो जो प्रियंका, है। अब एक क्वेश्चन आपसे, भूमिका या डेली भूमिका में कहाँ आ है गई, आजकल? तो ऑफ आप कोर्स भूमिका के साथ टच में हो? बहुत बढ़िया अच्छा, यार। काफी आपका एक क्वेश्चन अच्छा है आपस में। अच्छा तो बात जो पीयू, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, जो बात सुननी थी हमें कि प्रियंका और भूमिका का इक्वेशन बाहर से बना था शो के लिए, उसके उसके बारे बारे में आपका में क्या कहना है? यार, ये सच था, एक ये झूठ था, ये क्या था, किस लिए और ये क्यों था था, अब यार? और ये अब किस लिए मैं था? बोल रही हूँ, है तो इसमें हाँ मैं आपकी बारी, आप तो, मैंने तो बोलिए। जितना बोलना था मैंने शो के अंदर बोल लिया, एंड उस वक्त मेरे को पागल करा कर दिया गया था, जैसे अभी भी करी रही है यहाँ पे बैठ के। एंड इनको लगता है कि जनता को कुछ समझ नहीं आता है, जनता ने कुछ समझ ही नहीं आता, ब्लाइंड फोल्ड लगा रखे हैं। बट इससे ज्यादा, जितना मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा खुद भूमिका ने यूट्यूब पे वीडियो निकाल रखी है, विच टोटली प्रूव्स दैट भूमिका एंड प्रियंका वर लाइंग इन द एंटायर सीजन, इन द एंटायर शो, जितने भी इन्होंने इंटरव्यूज करे हैं, श्रेया के किसी के साथ भी हो गया, दे वर लाइंग फुल लेजिटली। यहाँ पे ये चीज मैं भी नहीं कह रही हूँ, मेरे को तो पता ही था, कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से फील हो गया था दे आर लाइंग अबाउट इट। पर एट द सेम टाइम भूमिका ने अपनी यूट्यूब पे वीडियो निकाली है, एंड अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो सबसे टॉप पे टैग्ड है एक पोस्ट, उसको जरूर देखिएगा, एंड उसमें भूमिका और मेरा फेस है, एंड वहां पे आपको पता चलेगा कितने सारे लाइक्स थे वहां पे और कितना हिपोक्रिटिकल गेम था इनका, मतलब। सो पर्सनली मेरे को पता ही था ऑलरेडी दे डोंट हैव एनीथिंग, बट दे वर प्रिटेंडिंग टू बी, एंड इफ दे हैड इट और दे डिड नॉट हैव इट, मैं सच बताऊं मेरे पे मेरे को कोई फर्क नहीं था, ये इनकी गेम है, इसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी। या ना, मेरी बात नहीं, सच ये है, ये बात बीच सच नहीं में आप अगर देखोगे कि है ऊपर पक्का। नीचे हो रहा होगा उसको इतना हटाओ, पर जब इन दोनों ने जो भी गेम डिसाइड करी है ना, लिटरली आई वॉज नॉट कंसर्न विद हर एट ऑल, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ये लेके गई थी कि अगर मेरे को अपनी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, अब इसको जैसे भी मिली है, जैसे तैसे मिली है, वो उसकी किस्मत का खेल है, उसको मिल गया है, पर मुझे भी तो मिला ही है ना, मैं अपने लिए आई थी यहाँ पे और मुझे वो चीज मिल चुकी है, एंड आई वाज फाइन, आई वाज लिटरली फाइन। बट भूमिका वहां पे फ्लिप हुई, इन्होंने जो भी बाहर मिला, इसने जितने भी लोगों को बैड माउथिंग करी होगी, ऊपर नीचे बताया होगा, बट मेरे को लिटरली तरीके का फर्क नहीं था। को इनसाइडर भी आ चुकी है श्रेया एग्जैक्टली तालदा। यस आई एम हैविंग फन, क्या करूं यार, अब एमटीवी ने पैसे दिए। अच्छा चल पियो, मुझे एक बात बता, फॉर एग्जाम्पल, एक 1% मान लेते हैं
कि इनका जो एक रिलेशन था परसेंट वो मान झूठ था, लेते हैं वो किस लिए था कि गेम में, बाबा हाँ यूट्यूब पे वीडियो गेम, पढ़िए वो जाते गेम के लिए था हैं कि खुद बोल रहे या वो तेरे को ओके हर्ट, यार अरे क्वेश्चन तो सुन लो यार, वो गेम के लिए था या वो तेरे को हर्ट ये तो करने के यही लिए। बता सकते हैं मतलब सबसे बेहतरीन इंसान तो आपके सामने बैठे हैं इसका जवाब देने के लिए तो तो मेरे आप सांसी इसमें कुछ भी ये जो बोलना दिमाग चाहोगे? इनका गेम इनकी वो दो व्यक्ति जो थे एंगेज्ड वो उनके साथ रहते हैं तो यही बता पाएंगी उल्टा मैं सुनना चाहती हूँ क्या था प्रियंका, मैं मैं तो मर रहा हूं सुनने भी के लिए, एंड द नेशन और वांट्स मेरी यू ऑडियंस ऑल्सो, भी और एमटीवी वो भी। तो बहुत प्रियंका स्मार्ट है प्लीज, भाई मेरा इंटरव्यू नहीं निकाला एग्जिट इंटरव्यू बिकॉज उसमें मैंने सारी चीजें मेंशन करी है एंड आप लाइव आके दोबारा वो चीजें पूछ रहे हो तो दैट्स वेरी कूल एंड वेरी स्मार्ट बट एग्जिट इंटरव्यू नहीं लिया कौन सा क्या बचा एग्जिट आपने मेरा इंटरव्यू? बस एमटीवी वालों ने डाला हाँ अभी मुझे याद तक है, और लिया उसमें मैं क्लियर कर चुकी हूँ सारी चीजें जो मुझे भी हर्ट हुई क्योंकि अगर भूमिका ने तो मैं चीज को क्लियर हाँ कर देती बता हूँ दिया सबके पिक्चर। सामने आपके सामने अभी तक वो मेरा एग्जिट इंटरव्यू आया नहीं है बट मैं आपको एक बात बताता आई नो हूँ, आएगा आपका बट इंटरव्यू आएगा, ऐसा यू नहीं मेड कि वेरी हम सब स्मार्ट नो गो डालेंगे। लाइव देन पुट द एग्जिट इंटरव्यू तो ऑलरेडी वहां पे मेंशन है आई नो अरे हाँ, आई एम द ऑल्सो ये वेटिंग देख, योर मैं लाइन भी कह रहा था एंटायर तुझे ऐसा सीजन क्यों या लगता है कमिंग कि हम, एमटीवी का प्रियंका तुझे ऐसा क्यों लगता है कि बट हम सब तेरे अकॉर्डिंग ही प्लान कर रहे हैं? तूने कभी एग्जिट इंटरव्यू सॉरी मंडे को देखा है? कोई एग्जिट इंटरव्यू मंडे को नहीं आता, वेडनेसडे को आता है, ये यही वेडनेसडे लग रहा थर्सडे को मुझे आता अब है। थैंक यू एग्जैक्ट, फेक तो वही है ना इन्फॉर्मेशन कि आपको पता नहीं है बट आप बोल रहे हो, बट कोई तो बात नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेसिकली बट आप वहां मुझे पे सीन आंसर ऐसा दे। था जो मुझे भी हर्ट हुआ था क्योंकि भूमिका ने पेरी को कॉल करके बोला था जो हमारी गैंग में थी एक बंदी पेरी डांसर कि प्रियंका मेरे घर आई थी एंड ट्रस्ट में उस बंदी भूमिका से मेरी कभी बात नहीं हुई भूमिका कॉल्ड मी दैट शी गॉट अ कॉल फॉर पीआर तो मैंने वेट करा और 5 मिनट बाद मेरे को कॉल आ गया मैंने भूमिका को ओके बोला कि डू यू वांट अ मीट अप शी इज लाइक या कम ओवर हम नहीं जानते अभी एक दूसरे को उसने बुलाया और वो हम बहुत पास रहते हैं वी स्टे वेरी नियर बाय हमें बहुत ही पास ठीक मिले है तो मैं फिर तो हम गए मैं बैठी उनके बॉयफ्रेंड थे मुझे नहीं पता उनका कैसा सीन था सीरियस है अभी बना है नहीं है इन प्रोसेस है आई हैव नो आइडिया मुझे लड़के मैंने बंदे से बात ही नहीं करी और एक और उनकी फ्लैटमेट थी और वो थी अब वहां पे सिंपल सी बात ये हम फन कर रहे थे हम गेम खेल रहे थे तो कोई गेम से रिलेटेड बात नहीं हुई है बस मैंने जाते वक्त 2 मिनट मांगे भूमिका के और मैंने भूमिका को सिर्फ दो बातें बोली कि आई वॉन्ट यू टू नो मी एज अ न्यू पर्सन बिकॉज आपने ऑलरेडी पीयू के साथ टाइम स्पेंड करा है पीआई में मुंबई में तो आप वो परसेप्शन अपने दिमाग में मत बनाना कि प्रियंका ऐसी है बिकॉज पीयू यहाँ पीयू नॉट कर लो ठीक है बट पीयू ने बहुत लोगों को बहुत फॉल्स स्टोरीज बताई है रिगार्डिंग मी बट आप किसी से भी दोबारा इंटरव्यू लोगे ना किसी से एक बार मेंशन करना कभी प्रियंका ने पीयू के अगेंस्ट गलत बोला है मैंने कैंप में भी गलत नहीं बोला जब मैं भूमिका से मिली मैंने तब भी गलत नहीं बोला मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ गलत बोलूँ और वो दिमाग में डाल ले कि यहाँ पे हेट चली हुई है जबकि हेट नहीं है चीजें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी जिस जिस इंसान के बारे में आपको बात करनी नहीं है मुझे नहीं पता वो जर्नी में कहाँ तक आगे जाएंगी मैं कहाँ तक आगे जाऊंगी तो पहले ही आप किसी को बैड माउथ करके नहीं साइड में अपनी गेम को बढ़ा सकते मतलब किसी को गिरा के आप अपनी गेम नहीं बढ़ा सकते ऐसा मेरा गेम का पर्सपेक्टिव है तो व्हाट हैपेंड तो मैंने भूमिका को बोला कि ऐसा मत करना मेरे को जर्नी पे एक नए इंसान एक नए प्रियंका एक नए उसके साथ जानना दूसरा आई वॉन्ट अ गर्ल टू विन दिस सीजन चाहे वो कोई भी हो सिर्फ ये दो बातें हुई और मैं निकल गई वहां से भूमिका ने पेरी को कॉल करा है और ये चीज लेखा भी प्रूफ थी लेखा क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कनेक्शन हाँ लेखा से लेखा होते भी हुए जा रहे हैं ज्यादा बेटर बता तो रहा। लेखा ने भी खुद हमें जब हमारी जर्नी खत्म हुई हमें फोन्स मिले तो लेखा ने खुद बोला पेरी को कॉल करके या जब हमारी बात हो रही थी कैंप साइट पे कि जहाँ पे पेरी ने झूठ बोला है इन सबको स्टोरी घुमा के कि प्रियंका ने उसको जाके बोला प्लान एंड प्लॉटिंग करते हैं तेरे लिए मैं आऊंगी मेरे लिए तू होगी हम किसी के ऊपर नहीं रहेंगे बाकी वी देयर फॉर ईच अदर ये तो नॉर्मल चीज होती है अगर आप किसी से बॉन्ड बनाना चाहते हो ये नॉर्मल चीज होती है वो उसने अपने कंसिडर अपने हिसाब से बोला पेरी को पेरी ने डाला ग्रुप में बात जिसमें शिवित और क्या कहते हैं लेखा शिवित और आई डोंट रिमेम्बर वन टू मोर नेम्स ठीक है वो लोग होंगे अब इनके दिमाग में शिवित औरों के दिमाग में ऑलरेडी एक स्टोरी है कि प्रियंका बंदी ऐसी है और मुझे नहीं पता है आई हैव नो आइडिया हाँ बट उससे मुझे मुझे मेरे को फर्क पड़ा उससे तो ज्यादा मुझे फर्क नहीं समझ पड़ नहीं रहा आया भाई। हामिद आपने क्वेश्चन क्या पूछा था मैं पीयूष शांत हो देख जाओ रहा हूँ मेरी बेस्ट बारी फ्रेंड है में मैं तेरी तुम बारी हार में नहीं चुकी हो बोलती इस ना पे। हामिद आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये पहले से जानते थे या नहीं क्योंकि शो में इन्होंने मल्टीपल टाइम्स डिनाई किया है कि शो से पहले नहीं हाँ मिले नहीं तो मुझे लगा ये कुछ जानते थे कॉन्फिडेंस हम बिट्रेयल हो चुकी है सिर्फ कुछ एंड घंटे के मुझे लिए बस मिले लोगों के ब्रो। नाम सुनाई दिए मुझे ये नहीं सुनाई दिया जो कि इन्होंने शो में बोला था कि हम नहीं मिले हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप मिले हैं या नहीं मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं हम आया शो आपको तो के पता ही है बाहर मुझे एक लेट दूसरे आता को है शो नहीं छोड़ के जानते, देयर इज अ आप डिफरेंस, मिल गए ना मिलना इज अ उनसे डिफरेंस। तो उसका मतलब ये है, मैं बता दूं अभी वो क्या कहना चाह रही है। वो कह रही है कि हम शो के बाहर मिले या हैं तो बट हम शो में तो इसको इन्होंने जानते डिनाई हैं, किया जैसे ना वो आपको जानती है अच्छे से, आप इसको जानते हो, यस
वो भूमिका को नहीं मैं उसको जानती, पर्सनल बेस पे नहीं जानती उसकी भूमिका लाइफ तो कैसी, नहीं वो बंदी जानती कैसी थी। है, क्या बोल रहे हो यार। चलो ये तो हो गई नहीं बाहर की बातें काफी मेरे सारी, को अब शो की क्लैरिटी नहीं बात मिला करते हैं बाबे, तो मेरे मेरे को को ये बता दो दोनों। क्लैरिटी नहीं। अच्छा भाई प्लीज क्लैरिटी तो दो यार, आप ये मैं नहीं तो बहुत सारी चीजें नहीं नहीं होगा, मेरी क्लैरिटी क्लैरिटी हमारे दो साथ की यार। कॉन्वर्सेशन प्रियंका, अभी आपने खुद कहा था कि व्यू हाँ को मैं उसको समझाना पड़ेगा समझाने के लिए ना, नहीं तो बात प्लीज बता रही समझाओ। है, मैं जो यस यहाँ पे लोग हैं ना उनको बता रही हूँ कि तो मेरे मिले को भी थे हर्ट ना, हुआ था जब मेरे मुझे को ने मोटा मैं मोटा जो समझ में आया कि आप शो से पहले मिले थे, और मल्टीपल टाइम्स आप लोगों ने डिनाई किया इस फैक्ट को कि हम शो से पहले नहीं मिले हैं, और शो के दौरान आपने मेरा मेंटल पीस जो फकअप मारा है, आई डोंट अप्रिशिएट दैट फैक्ट। यू वर लाइंग ऑन पीपल्स फेसेस एंड इट इज आउटराइट इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब सबको पता है कि यू पीपल वर जस्ट लाइंग। तुमने शो के अंदर मेरे को जितना बैड माउथ करके मेरी इमेज असैसिनेशन करी है ना, दैट वॉज जस्ट अ फ्रीकिंग लाइट आश गुप्ता, यू और डिड पहली दैट। बात तो हमने कभी आई आपको सॉ कंसिडर ही योर नहीं करा वेरी सीन आप। फालतू की इमेज एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। मैंने तुम्हारे साथ आप ऐसा एक रोडी से ट्रीट किया कंटेस्टेंट है? हो प्यू, आप पूरा एक शो रोडी का से कंटेस्टेंट एपिसोड हो। देखो प्रियंका गुप्ता, तुम्हारा एक भी बार नाम नहीं लिखा है मैंने पर्सनल ग्रजेस में, एंड आई हैव सीन यू पिचिंग फॉर मी एट मल्टीपल प्लेसेस। तो तुम शो से वाओ, पहले डिसाइड करके आए थे या बात करके आए थे, जो करके आए थे, पर तुम करके आए थे ना, तुमने डिनाई किया ना यार शो के अंदर मेरे को तो जजेस के निकालना सामने। था ना तेरे जजेस को को, भी तो तो एक मैंने करा डिप्रेशन फिर। पड़ा होगा ना, मेरी इमेज तो खराब हुई ना प्रियंका, तेरे लिए चिल चल रहा होगा क्योंकि तू बैडी है, मेरे लिए चिल नहीं है। मेरे लिए तो बट खराब नहीं हुई वो ब्रो, आपका मैं मैं नेगेटिव अच्छा ठीक कमेंट्स है, नहीं उसमें लेती। तुम आप नेगेटिव वो पे ही कभी इमेज, नहीं थे, कम आपकी आउट ऑफ इमेज दैट कैसे खराब जोन हुई प्रियंका, इसकी। यू वर नेवर नेगेटिव। तेरे को इक्वली लाइकली चांस मिला सोनू वस्त्र से, एंड अगर तुम हमारे पीआई देखोगे ना, हम दोनों का ही पीआई है जो कि सबसे ज्यादा चला है, सबसे ज्यादा व्यूज है उस चीज के ऊपर, लोगों ने मिक्स कमेंट्स दिए हैं वहां पे नहीं भी। आप दोनों ही हो जो सबसे ज्यादा चल रहे हो, तभी तो आप मेरे आज यहाँ पर मैं आपके साथ मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, समझाना चाह रही हूँ ये बात मोहतरमा तो को सच कि है। मिक्स इमेज था, तेरे को अपना चांस मिला, मेरे को अपना चांस मिला, एंड मुझे नहीं समझ में आया, तूने मेरे को बहुत कोल्ड बिहेवियर दिया ऑल द टाइम। एक इंसान से बात करनी आती थी, दो इंसान कॉम्प्लीमेंट्री आते थे तुम्हारे साथ, अगर मैं किसी से कर रही हूँ तो तुम कॉम्प्लीमेंट्री आते थे उस इंसान के साथ, मेरे को यार समझ नहीं आया। तो बेसिकली आपको टाइम चाहिए मेरे को था अकेले में चाहिए बात नहीं था। करने का और दोनों को, पहला, राइट? दूसरा, पीयू हमेशा अकेले ऑफ कैमरा लोगों के पास गई है, मेरा अब लोगों के नाम ऑफ छोड़ो, भूमिका के कैमरा, पास, तुम भूमिका के ऑफ कैमरा पास, नहीं गए क्या लोगों के पास? तुम तो पल्लवी के लोग पास नहीं भी गए थे, गए क्या? लेजेंड, 34 तुम में तो फेक कंटेस्टेंट फाइट शो फॉर गए क्या? कैमरा। 34 में से 34 नहीं गए? पुट पल्लवी साइड, तू अपने पे बात करके आना यार मैं प्रियंका। तो प्रियंका अपनी बता गुप्ता रही बनती हो ना। ना तुम, प्रियंका चलो ओके ठीक गुप्ता है, बनती है ओके ना, तो गाइस अब मैं बन। आपको एक बात बताता हूँ। सुनो प्रियंका, आपका जो एग्जिट इंटरव्यू है वो डलेगा और आपका साइड सबको दिखेगा, वो सुटाटो तो सुटाटो इंटरव्यू हमें काफी अच्छा है, मैंने लिया है, मुझे पता है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं तो ये लाइव आई थिंक कल तक चलता रहेगा और कल वाले भी यार, जा सबको जाएंगे ले आओ आज, यार दोबारा, ठीक है? सबको ले आओ, और सबको ले आओ शिवेश ले भी आओ ले आओ, वापस। दिग्विजय भी ले आओ, मजेदार। चलो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों अलग अलग गैंग में, दोनों गैंग में होती है भसड़ हर सीजन में होती है, और इस बार तो तुम दोनों अलग अलग गैंग में थे, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब प्रियंका जैसे बोल रही है, उसने अभी बोला कि मैं तो चाहती थी पीयू निकले, मैं तो पीयू को निकालना चाहती थी, तो पीयू तेरे साइड से भी ऐसे ही था कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पहले प्रियंका को निकालना है जस्ट बिकॉज हमारा एक पास्ट रहा है? सही से मैं ऐसा था बोलू? बाबे, मेरे को नहीं, मेरे पे आया तो मेरे को बोलने दो। थैंक चलो पियो आप बोल लो, कोई बात नहीं, थैंक तो आपने तो यू बोले, चलो प्रियंका। आप बोलो ना फिर, आप तो बस मुंह हिला रहे हो, बोलो 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 नहीं बाबे, बोलो बोलो। मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने कहीं पे भी अपने जहन में नहीं रखा हुआ था कि प्रियंका को निकालना ही निकालना है, गिवन द चांस, गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा कोई वो आएगा हाँ जहाँ पे शी विल एंड कैन गो, आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी। बट अगर मेरे को अपने जहन में था जिस तरीके से ये हेट लेके आए थे कि निकालना ही निकालना है, जो कि छोड़ो, मैंने, मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी जहाँ पे मेरे को प्रियंका को निकालना ही था। बहुत सारे के सारे वहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने एक भी बार किसी को जाके प्रियंका के लिए पिच नहीं किया। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो, मेरी गैंग हो, इसकी गैंग हो, या फिर रिया गैंग हो, एंड ऑफ द स्टेज पे वो मोमेंट्स तो वो अलग बात है, वो जो एंड थे जब हम टॉप 11 पे थे, बिकॉज देन एवरीबडी वॉज प्लेइंग सोलो, बट उस जर्नी से पहले मेरे जहन में प्रियंका गुप्ता बिल्कुल भी नहीं आई है। मैंने एक भी बार इनको पूरे शो में इनका नाम कार्ड पे नहीं लिखा है, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करती है जितना इंपॉर्टेंस मैं इनके जहन में होल्ड करती हूँ, एंड दैट इज इट। ओके, रही बात हमारी साथ में जर्नी पे आने की और प्रियंका मेरा पीयू को बाहर निकालने का गेम से रिलेटेड, वो अगर आपने देखा हो, सबसे पहला जब हम कैंप साइड आते हैं, हमारी अलायंस नहीं बनती है, गौतम गैंग और प्रिंस गैंग की अलायंस नहीं बनती है, वो सबको पता है वो क्यों नहीं बनती है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं
ठीक है मैं बता रही हूँ, नहीं पता, मुझे नहीं क्योंकि जब पता, हमारी मुझे कॉन्वर्सेशन सच्ची में हुई नहीं थी, आई पता। वाज द वन जो रिया मैम की टेंट में गया था और मैंने उनके गैंग से बात करी, ठीक है, और मैंने अपने वर्ड्स दिए थे अपने गैंग के अगे, मतलब गैंग के साथ मैं अकेले बात करने के लिए गई थी कि हमारे वर्ड्स आपके साथ हैं, लेट्स जस्ट क्रिएट एन अलायंस, ठीक है, और गौतम गैंग से उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे गैंग ने बोला एक बार गौतम गैंग को भी सुन लेते हैं, उनकी पिच कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो जब हमने पिच सुनी तो सॉरी पीयू, मैं आपका नाम फिर लूंगी, फिर आप भड़कोगे थोड़ा सा, तो पीयू आपने वोट बोलना आउट मत। कर भी लिया, आप लोग मेरे नाम के बिना आपका चलेगा भी नहीं, बोलो सही बोलो। बात है यार, सही बात है। तो फिर क्या सीन हुआ कि फिर सीन ये हुआ कि पीयू यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि उसे पता है शी इज फेवरेट, शी इज सेफ, तो यहाँ पे वो थोड़ा है ना अपना एटीट्यूड दिखा रही है, जो उनके गैंग मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर मेरी गैंग सेफ नहीं है तो मैं थोड़ा है ना ग्राउंड टू अर्थ होके बात करूंगी कि नहीं यार गाइस देख लो प्लीज, हमारे बंदी की बात है, नहीं करते जो भी चीज है, मैं ऐसे बात करती हूँ जो मैंने करा भी है, शो पे दिखा भी है, मैंने अपने खुद के गैंग के लिए कुछ नहीं बोला। बट पीयू जी वहां पे फिर भी एटीट्यूड दिखा रही है, वरना तो मैं अकेली काफी थी उस टाइम पे भी, तब भी मेरी गैंग से मेरी नहीं बनती थी, बट मेरी गैंग को ये था कि प्रिंस भाई का वर्ड था कि गौतम गैंग से पहले खाली होना चाहिए, तो आई थिंक वहां तक मैंने वो वर्ड रखा, मैंने उस गेम को आगे बढ़ाई, दो लोग उड़ाए इनके, अगर शायद उस टाइम ये सेफ नहीं होती तो ये भी उड़ जाती फर्स्ट डे पे, जितना मुझे लगता है, अगर ये सेफ नहीं होती तो। बट रही बात तो पिच करने की आपके नाम की पीयू, वो इसलिए था आप क्योंकि मैं सिर्फ आपसे परेशान नहीं थी, आप पता नहीं क्या पर चलता है मैं आपके आपसे यहाँ पे और परेशान हूँ आपका उसकी बीपी स्क्रीन शो के प्रेजेंस अंदर। क्या है, आई हैव नो आइडिया, लोगों को कैसे समझ आ रहा है मुझे नहीं पता, बट तो आप समझाना क्या लोगों को चाह रहे हो तुम, और तुम क्यों मेरे एम्बेसडर बने हुए हो लोगों को समझाने के लिए? तुम हो कौन? तुम्हारा वजूद क्या है मेरी लाइफ में? भाई तुम हो रोडीज कौन? खत्म हो गया मैम, रोडीज खत्म हो गया, बोलने का मौका एग्जैक्टली दे, आई एम प्रियंका, कम रोडीज खत्म अभी नहीं हुआ, अभी भी हम एमटीवी पे हैं और हम शो के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, राइट? तो रोडीज अभी खत्म नहीं हुआ है, शो खत्म शो नहीं का हुआ खत्म है। नहीं कम हुआ, बैक टू रियलिटी स्वीटहार्ट, इट्स नॉट ओवर येट। बोले आपने, अब मैं तो ये बोलूं कंटिन्यू यहाँ पे मेरे को कुछ भी आपको नेगेटिव बोलने का नहीं है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो शो में हुआ है और उस वजह से मैं आपके सामने कॉन्वर्सेशन रखी, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता अंदर क्या होता है या हो रहा था। तुम बता कर तो रहे हो। पीयू, अरे भाई तो आप बोलने दोगे तो मैं और बताऊंगी ना। पीयू आपको आदत क्यों है दो लोगों के बीच में आने की बात करने की, मैं कुछ बताना आपसे चाह रही हूँ आधे लोगों से ज्यादा को कि स्टेटमेंट्स तो आपके पास था, यही है। प्लीज दो दिन थोड़ा ये मत करना ब्रो, साइड हो हाँ मेरे को पता है मेरा नाम, आगे यार। बोलो हाँ आपका नाम पहली बात तो पायल है, पता नहीं क्या आप पीयू आप। पीयू करते रहते हो आप, हाँ बट पायल भी एनीवेज है, पायल भी है, तो पीयू भी है, पालू भी है, और बताओ आपको तो पता ही होगा। एग्जैक्टली पे आ जाओ यार, नाम नाम काम में क्या बताओ। रखा है? अब यहाँ पे मैम बहुत ऐसा हो जाता है कि ऑफ कैमरा है तो सबके साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करिए, किसी को पोक करिए, किसी को फ्लर्ट करिए, ये करिए सब करिए, जैसे ऑन कैमरा आ जाते हैं तो मैडम एकदम अलग रूप में, तो तभी शायद इनको फुटेज क्वीन बुलाते हैं हमारे शो में थोड़ा कि कोई भी ये करेगा और ये करेगा, सब पे जान से बता स्पीकिंग चुकी हूँ, और ये रोते से ला रहे हो बचते इस नहीं है बार, यार। मतलब देख मैच भाई ऐड कर रही हूँ लोगों हाँ से, मैं आई गेस आधा मैच घंटा लूज होने कर रही वाला है, मैं दो हूँ। मिनट और बचे नहीं ये होंगे वाहियात फिर से चीजें मैं बोल रहे सुनूंगी हो। नहीं और काटूंगी, जितनी बार होगा उतनी बार काटूंगी, चलो जितनी बार एक ये मिनट एक वाहियात चीजें मिनट, बोल रहे हो ना मेरे अपनी पास बहुत सारे जुबान से क्वेश्चंस है उतनी यार। बार रुको काटूंगी। रुको रुको, ऑफ कैमरा अच्छा चलो ठीक है, हम तो मतलब तुम सबका सीसीटीवी पर्सपेक्टिव लेके समझ गए, घूमी दुख पड़ी थी लूंगा। मेरे पीछे, मैं जो कर रही थी तुम्हारी सारी नजरें थी। पियो पियो, अच्छा रुको रुको रुको, मुझे एक क्वेश्चन अब अभी अभी आया सामने मेरे, बताओ। एक बात बताओ, अगर देखो आप जब ऑपोजिट गैंग में थे तो चलो आपके लिए इजी था क्योंकि एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे थे आप, बट जब आप प्रिंस गैंग में आए तब क्या हुआ? तब आपको लगा कि आप कहीं इसे ना तो कहीं अनसेफ ब्रो हो क्योंकि आपकी सबके अब साथ मैं नहीं बता बनती दूं, थी जब और मैं सिर्फ प्रिंस हिमांशु के भाई साथ की गैंग बनती में थी, आई आई थी तो गेस। प्रिंस भाई ने मेरे को बोला था कि गैंग में बना के चलनी है, बिकॉज आई एम हैविंग अ फेस जो कि आई लिटरली डोंट लाइक टू हैव इन माय लाइफ एनीमोर। मैं बहुत खुश थी उस गैंग में भी, बट प्रिंस भाई ने मुझे खुद चुना अपने गैंग के लिए, एंड दीज पीपल वर नॉट एट ऑल वेलकमिंग, ये तो थी नहीं जायज है प्रियंका। या तो फिर शायद ऊपर वाले ने चुना हो हमें आपको दोनों भाई को वाले सेम गैंग में मानेगा डालने था, के ऊपर लिए। वाला है हमारा प्रोडक्शन, तो उन्होंने मुझे चुना गेम डालने के लिए, एंड मैंने जो फर्स्ट टाइम स्वाप होके आया गेम के अंदर, मेरे को बिल्कुल भी इन्होंने आशिका ने शिवेत ने वेलकमिंग फील नहीं कराया। उसके बाद सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रियो ही हो गया फॉर्म एक तरीके से, बट फिर भी मैंने अपना 100% दिया। प्रिंस भाई ने बोला था तुझे गैंग संभालनी है, तू यहाँ पे आई है, तू ज्यादा मेच्योर है उससे, एंड ट्राई टू मेंट थिंग्स विद हर एंड बी एमिकेबल, फ्रेंडली रहना उसके साथ। एंड वो पहला इंस्टेंस था मेरी पूरी रोडीज की जर्नी का जहाँ पे मैंने प्रियंका से जाके बात करी थी। इनको मैंने सुबह उठाया था, मैंने बोला था मुझे आपसे बात करनी है सुबह के 6:30, हाँ जी बाबा, क्योंकि सुबह का समय अच्छा होता है बातचीत करने के लिए, इट्स क्योंकि मेंटल क्लैरिटी। सो मैंने इनको सुबह रियलिटी नहीं उठाया होती था, ब्रो सुबह 6 अरे बजे
यार तू रुक जा ना, तेरी रियलिटी मैं आ रही हूँ ना। तो 6 बजे हम सभी यार। उठे थे, मैं इनको लेके गई बिल्कुल थी एंड हमने वहां पे बातचीत करी थी एंड आई टोल्ड हर कि ये चीजें जो भी चल रही हैं हम यहाँ पे सोलो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इट्स अ गेम प्ले। अभी इतनी चीजें कम नहीं हुई थी, इतने प्लेयर्स कम नहीं हुए थे कि हम सोलो खेल सकें, तो हमें एक गेम में साथ में रहना है एंड आगे बढ़ना है। एंड ये सारे मैंने पॉइंट्स रखे थे, ये मैंने रखे थे या नहीं रखे थे प्रियंका? ये तो रखे रखे थे, ठीक है और उसके बताओ ना, और क्या रखे थे। बीच में फिर शिवेद भी आया था एंड उसके भी शिवेद भी आया था, हम बात कर रहे थे। मैंने शिवेद को भी बोला कि शिवेद थोड़ा सा टाइम देना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शिवेद ने भी ये देखा है कि मैं इससे बात कर रही थी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने इनसे पहली बारी ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश करी होगी। उसके अलावा लिटरली मैं इनके मुंह ना लगूं क्योंकि आई डोंट सी हर एज समवन आई वांट टू इंटरेक्ट विद एंड इतना मैं लगती नहीं है मेरे को कि मेरे को इनसे बात करनी है बिकॉज ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन थ्रू। तो आपने बेसिकली ट्राई किया, क्योंकि आप एक गैंग में आ यस चुके थे, प्रिंस तो भाई के आपने अपनी तरफ कहने पे से मैंने ट्राई ट्राई किया। किया एंड स्टिल जैसे ये इनसेंसिटिव हैं, शी स्टूड ऑन दैट पॉइंट, शी वाज रूड प्रियंका, एंड आपने जर्नी क्या में किया ना, और भी आपने मैंने वेलकम बहुत क्यों नहीं किया? बारी इनके लिए हेल्प किया है। आते हो, आपने इनको वेलकम क्यों नहीं यस आती किया, हूँ ब्रो, वेलकम मैं क्यों अकेले नहीं नहीं थी तो कराया? वेलकम। यार वो मैं फिर बोलूंगी फिर आओ उसे बुरा ना, लगेगा, फिर आओ। वो कुछ बोलेगी, मैं नहीं चाहती, वो मुझे तो कंप्लेन वैसे भी करे। बहुत बुरा लग चुका है प्रियंका, इतना बोल चुकी हो तुम, अब क्या बुरा लगेगा मेरे को, बोलो। ठीक है, मैं उस चीज के लिए सॉरी भी नहीं हूँ जो जितनी चीजें आपको बुरी भी मुझे लग रही चाहिए हैं, बट भी नहीं, सॉरी बोलने के लिए जिगरा लगता है आपके पास अब नहीं एक है, कॉन्वर्सेशन को जेंडर स्टार्ट करने नहीं से पहले मैं क्लियर। एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी जो बहुत सिंपल है। साइकिल का भी स्टैंड होता है, एटलीस्ट अपना स्टैंड तो रखो यार। ऑफ रख तो कैमरा रही बातें हूँ, के हुई हुई तुम थी मेरे इसलिए स्टैंड क्या पे तुम्हारी नजरें हैं तो तुम छुरा के लेके चली जाती हो, तो क्या करें जब चोर भी ओके, आर पकड़ यू में बैठा हो डन तो। मैम, आर यू डन, यस कैन आई स्पीक? आई एम वेरी डन। गुड, थैंक यू। तो इन्होंने ये बातें बोली बोली इन्होंने, बट ये भी बोला कि इस शो के स्टार सिर्फ हम हैं, बाकी सारी चूतियां हैं, ठीक मैंने है। नहीं बोला और ये, जैसे तूने मेरे को आके बोला कि पल्लवी बोल रही है मैं फ्लिप हूँ और फिर तूने पल्लवी को जाके बोला कि ओ पीयू बोल रही है फ्लिप है, वैसे साइकोपैथ वैसे। ओके, वेरी स्वीट। बट इसमें बोला थैंक कि टीवी के यू, जितना पहले मतलब दिखा अब देते तो जब, चल ही लेता। यार बोलने दे यार पीयू, क्या तेरे को तो लग रहा है मैं बोलना कुछ यार, बोल सॉरी दूंगी जो सॉरी, तू चलो ओवरकम नहीं बोल कर पीयू को पाएगी? बोलने तो दो, मौका उसको भी देना बोलने दो। इक्वली। चलो कोई नहीं देखा यार, तुम जखम प्रियंका ही ऐसे अब दे रही आप हो बोलो, प्रियंका कि प्रियंका नहीं बोलेगी, ओवरकम प्रियंका करके मैं बोलेगी। बैठ यार मेरी जाऊं? कशिश ऐसी है कि जख्म दूं प्यार दूं लोग याद नहीं रखते हैं। कहते इसको मेरी जान, कशिश नहीं कहते कोई बात इसको, नहीं, मेरी लैंग्वेज में कशिश कहते हैं। बट एनीवेज, तो वही इन्होंने तो मेरे को एक डिफरेंस स्टेटमेंट है। दी, रात को रियलिटी चल रही है, इसको मुझसे बात करनी है। मैंने कहा मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ, कहती नहीं मुझे ऑफ कैमरा बात करना। मैंने कहा सॉरी तूने आई डोंट ट्रस्ट यू मेरे को क्यों यार, तुम बोल लो। नहीं, तुम बोल लो पहले। दी यार? एक बार पीयू उसको बोलने दो यार, एक पीयू काम कर आप लोग, प्लीज उसको बोलने कुछ दो, फिर आप खावा बोलो। पानी वानी पी तो तेरा मुंह बंद रहेगा, 2 मिनट बोलने दे मुझे। सेम अरे यार, है कमेंट पढ़ तो, के ऐसी आ रही है, प्रॉपर्टी के नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। तो अब ये हुआ कि मेरे को बोला है कि कैमरा पे मेरे को रियल, मतलब मेरे को कैमरा पे चाहिए आपके वर्ड्स। तो इसने कहा नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैंने कहा क्यों, पूरी जर्नी पे तो आप बहुत कंफर्टेबल थे चीजें बोलने ऑन कैमरा, झूठ, जैसे मैंने 2 हाथों से पुश करा है, मैंने वो लड़ाई प्रवोक करी है, यार बहुत चीजें जो उनकी तरफ से आई। तो मैं कहा मुझे ऑन कैमरा चाहिए। तो उसने बोला नहीं दे पाऊंगी। मैं कहा सॉरी मैं बात नहीं करूंगी। अब मेरी और श्रीवित की हैबिट थी, हम बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे और ये मुझे सुबह टकर गई। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ सीन था कि हमारा प्लान था, ये मुझे टकर गई और उसने मुझे बोला कि मुझे बात करनी है। ठीक तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मॉर्निंग है, नया दिन है, हमारे शायद टास्क भी होने वाला है, तो लेट्स जस्ट लाइट अप दैट फायर, मतलब कि आराम करते हैं चीजों को, कोई बात नहीं, बात सुन लेती हूँ मैं। पर मैंने इसको बोला कि रियलिटी तक वेट कर सकते हो? कहती नहीं मुझे अभी बात करनी है, बिकॉज रियलिटी पे फिर वो चीजें कैसे दिखाएं अगेन। मुझे नहीं पता। देखो आपने कुछ बोला, मैंने नहीं बोला ना झूठ चलो है, ठीक है, तो ओके, बहुत सारी बातें हो बोला गई। खा, मैं खा रही हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, सबका अब मैं बोलूंगी कि चुप रहे तो चुप हाउ रहेगी क्या? स्वीट हो, खा रही है, प्लीज खा रही डू है, खा रही है, क्या क्या डू दैट कैसे बोला। आल्सो, खा रही है, बट वो कह रही है चुप रहे तो चुप नहीं रहे। चलो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ठंडे हो जाओ, बर्फ ले आओ, बर्फ लगाओ अपने सर पे, ठीक है। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तुम दोनों के लिए, ठीक है। अगर तुम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते होते, तो क्या लगता है तुम्हारा जर्नी पे दोस्ती दोस्ती होती, होती या बिल्कुल होती दोस्ती से कुछ दोस्ती ज्यादा यार। होता? हाँ फिर उसी टाइम शायद मैं दुश्मन होती भी बन जाती क्योंकि जैसे इन्होंने जर्नी में दोस्त बनाए फिर दुश्मन भी बना लिया। तो मेरा भी वही हाँ असूल था कि अगर जहां मुझे एक बार गलत लगा इंसान कि उसने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, खुद को आगे दिखाने के लिए किसी को गिरा रहे हैं, किसी की पर्सनालिटी या किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं अभी जस्ट क्यों टू किया आपने बी बिग यार, तो खुद को बड़ा दिखाने के लिए इंसान जो कैरेक्टर यार गिराता पीयू है के, ना। यार मैं प्लीज दूंगा ना मौका पीयू, प्लीज उसके बाद तेरा मेरे तेरा को क्या वो आता है, लोग ये नहीं बात समझ तू आते जो बोलना फिर, दूसरों ठीक का कैरेक्टर है। गिरा के अपने आप को आगे बढ़ाते। यार तुम अपने बारे में बात करो, तुम किसी को गिराओ मत। एकदम सही, मेरी एकदम सेम सही, कंप्लेंट सिर्फ पीयू से भी नहीं है, ये मेरी सेम कंप्लेंट आशिका से भी है।
कि अभी जो लास्ट अभी एपिसोड में हुआ है, जो कटलेस या बोनस एपिसोड पे आया है, तो आशिका ने भी सेम पिच ऐसा करा है जहाँ पे उसे मेरे कैरेक्टर या मेरी पर्सनैलिटी को गिरा के फिर बात करिए. मैं इवन आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. इट्स नॉट जस्ट विद यू पीयू, मेरे साथ अगर मेरा कोई क्लोज है वो भी करेगा ना, मैं फर्स्ट गो में कट ऑफ कर दूंगी. आई नो माई बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप कह रहे हो ऐसे दोस्ती हो सकती थी बिकॉज और बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स आप दोस्ती नहीं हो. कैसी बातें कर रहे हो, एक्स है हम, 1.5 साल पहले रिलेशनशिप छोड़ चुका था, अब हम एक शो पे वापस आए. यार मैं भाई देखो, या तो मैं लाइव करूँ ऐसे कि उस रिलेशनशिप के बारे में बात करें, मैं उस रिलेशनशिप के बारे में बात करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाइपोथेटिकल. तब भी मैंने डाला कि अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते होते और शो पे आते तो आपकी दोस्ती होती कि नहीं होती. उसने अपना आंसर दे दिया, आप दोनों चीजें की इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी सी डिपेंडिंग. आई एम अ शाय पर्सन एंड शी इज अ वेरी आउटगोइंग पर्सन एंड शी इज अ मोर सोशलाइजिंग पर्सन एंड सो चांसेस हैं कि दोस्ती हो सकती थी और नहीं भी होती डिपेंडिंग कि अगर ये मेरे को अप्रोच करते तो. सो या आई एम डाइसी अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर. ओके थैंक यू, इतने अच्छे से आंसर किया, देखो कितने अच्छी तरह, वेरी गुड. अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये माहौल देख के कोई चांस है कि तुम्हारी आगे दोस्ती हो जाए, सिर्फ दोस्ती से? नहीं, दोस्ती नहीं हो सकती. रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. एंड आई थिंक दैट इज इट. सो एक बार जो चीज टूट चुकी है उसको वापस जोड़ने में वो चीज वैसे जैसी पहले जैसी नहीं हो सकती है. एंड जिस मुकाम पे हमने अपना रिलेशनशिप शुरू किया था हम बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, दैट इज फॉर अ फैक्ट. एंड ये तो प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ अग्री करेंगी, लाइफ में किसी चीज से अग्री करें या ना करें. चलो चलो किसी पे तो अग्री कर रहे हो दोनों. अब तुम्हारी राइवलरी को अगर कोई नाम देना हो तो क्या करोगे दोनों एक एक करके, फटाफट सोच लो. राइवलरी को प्यार बोलना चाहूंगी प्रियंका का. मैंने जो भी है सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने बहुत सारी चीजें देखी एंड उसका मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बिकॉज आई एम एन एम्पैथ मेरे को समझ में आता है और मैंने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है एंड इन्होंने भी मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है तो हमें एक दूसरे के बारे में पता है काफी. एंड कभी ना कभी मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि अगर मैं कभी कुछ पूछ सकती इससे, यू नो, कभी अभी ये मुकाम है मुझे नहीं पता इससे बात कभी बातचीत होगी नहीं होगी, तकरीबन तो कभी भी नहीं होगी, तो मैं ये पूछना जरूर चाहती इससे कि मैं जरूर पूछना चाहती इससे कि राधे दिन मेरे को पता इससे पहले मेरी अप्रोच रही होगी कि व्हाई यू मैड एट मी, व्हाई यू मैड एट मी, व्हाई यू मैड एट मी, बट दिस टाइम आई वुड आस्क लाइक हाउ डिड आई हर्ट यू, योर एटीट्यूड शो से रिलेटेड, ओवरऑल शो में बाकी जो बात दोनों को मिल जाए, शो में भी वो हर्ट जायज नहीं कहूंगी, शो में भी वो हर्ट था, दिख रहा था. मुझे नार्सिसिस्ट लोग नहीं पसंद मेरी लाइफ में. तो आप हुई तो आगे कोई भाई मेरे का स्टेटमेंट मैंने दे दिया, अब तू मेरे को बैकफायर करे सेम वर्ड से कुछ और बोल लेना, जैसे तू साइकोपैथ वगैरह बोलती है. डिफेंस सिस्टम कमिंग बैक अगेन, ठीक है मुझे पता चल गया हमारे बीच में बातचीत का कोई स्कोप नहीं है प्रियंका. सो ठीक है, ये मेरा लास्ट ट्राई था आपसे कुछ जेन्युइनली दिल से पूछने का एंड हाँ जी आपको आपका आंसर कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद. अब सब ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले ने तुम्हें गैंग में डाल दिया था तो ऊपर वाले कर सकता है जो कर सकता है. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, काफी सारी बातें हुई, मैं ऊपर वाले से दुआ यही करूंगा कि तुम्हारी दोस्ती हो जाए. और दोस्ती ना हो जाए यार, हमें ये दोस्ती नहीं हो सकती है जैसे बाकी लोगों की, और लोगों की नहीं हो सकती थी ना, तो वैसे ये भी नहीं. चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टू द ऑडियंस गाइस फिनाले वीक है, ठीक है फिनाले आने वाला है संडे फिनाले गाइस, और ऐसी राइवलरी तो आपको मिलती रहेगी. ऑल्सो आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन पे कि नेक्स्ट या आपका बेस्ट राइवल, मुझे लगता है आपको गैरी को बुलाना चाहिए, मे बी नेक्स्ट मौका उनको मिले, ठीक है प्रियंका ने तो बोल दिया गैरी किसके साथ, दिग्विजय और सचिन. चलो ठीक है ये तो इन्होंने बता दिया, आपकी भी कोई सरप्राइज है जी, गैरी विद दिग्विजय या फिर गैरी के साथ. अच्छा वो आई थिंक दोस्त बन चुके हैं.
फिर तो वो आपको आपकी तरह रियल नहीं राइवलरी भी मिलेगी ऐसी जो होगी। प्योर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फिर या वो स्क्रिप्ट बना देंगे। चलो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द फिनाले। ओके, और ऐसे राइवलरी आते रहेंगे 7 बजे हर रोज। आई विल बी वॉचिंग एक्साइटेड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू गाइस, टेक केयर, हम थैंक यू, बाय बाय।